है कि इसका कलर बहुत यूनिक है, पिकॉक ग्रीन कलर है, ओरिजिनल पेंट है, सिर्फ बम्पर कलर किया हुआ है। ये भी जो इसका किलोमीटर है ये भी कम चला हुआ है, लाइक 70 के 60 के आसपास चला हुआ कार है। मुझे काफी अच्छा लग रहा है इसका, आप लोग भी देखो इंटीरियर एकदम ओरिजिनल है, जो भी कंपनी का आता है वैसा, और अंदर से तो आप लोग देख ही सकते हो। Hey guys, how are you all? This is Arbaz and welcome back to my YouTube channel Arbaz Khan Vlogs. So guys, आज है अपने साथ में आसिफ भाई। आसिफ भाई कैसे हैं आप? मैं अच्छा हूँ, आप कैसे हो? मस्त, बढ़िया एकदम। तो आज हम लोग हैं, अभी मैं हूँ फिलहाल मीरा रोड में, और भाई का शॉप है, यूज़ कार का शॉप है, और इनके शॉप का नाम है प्राइम मोटर्स। तो हमको प्राइम चॉइस तो अभी हमको देखने के लिए कौन कौन से ब्रांड, कौन कौन सी कार मिलेंगी यहाँ पे? हम यहाँ पर जो है मल्टी कार्स में डील करते हैं, हमारे पास बहुत सारे ब्रांड्स के ऑप्शन है, लाइक निसान, मारुति, ओके, टोयोटा, होंडा, ह्यूंडई, बहुत सारे हैं। ओके, सो अपने पास प्राइस रेंज कहाँ से स्टार्ट होती है, कहाँ जाके एंड होती है? हमारे पास जो है हम ज़्यादा लो बजट में नहीं डील करते हैं। अच्छा, बहुत रेयर ही रहता है लो बजट में, बट हमारी जो स्टार्टिंग प्राइस रेंज है वो 1.5 लाख से शुरू होती है। 1.5 लाख रुपए से स्टार्ट होती और है, 6-7 लाख तक। और जहाँ तक मुझे देखने मिल रही है फ्रेंड्स, तो अभी यहाँ पे इनोवा है, सिटी है, और इटियोस है, SX4 है, और स्विफ्ट डिज़ायर भी है, सिटी वैगनार। सो सारे आप लोगों को मैं एक एक कार की, उसका इंटीरियर वगैरह, मतलब जो भी, अगर मुझे जहाँ तक लगेगा कि ये कार अच्छी है, जो भी उसकी अच्छाई रहेगी, जो भी उसकी बुराई तक रहेगी, तो मैं आप लोगों से शेयर करूँगा, भाई से उसकी सारी प्राइस डिटेल सब जाने लूँगा, और मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करते हैं होंडा सिटी इन वाइट कलर, आप लोग देख सकते हो। भाई इसके बारे में बताएं। ये कार है सर 2008 की, इसका मॉडल जो है 2008 का है, ये सिंगल ओन कार है, वाइट इन कलर है। इसमें आप जैसे देख सकते हो कलर में थोड़ा आपको एकदम शाइन लग रहा है, हाँ न्यू कलर है, बिकॉज ये कार जो है वो कलर हुई है, इस पर जो है बहुत स्क्रैचेस थे, और 2008 के हिसाब से ओल्ड हो गई थी कार। कार का जो कलर है वो भी फेड होने लग जाता है, जैसे आप रिम्स पे देख सकते हो, रिम्स से आपको पता चलेगा, क्योंकि रिम्स कलर नहीं किए हुए, इससे पता चलेगा कि कार की जो क्वालिटी होती है वो जैसे जैसे एज आउट होती है तो कलर में डिफरेंस आता है, तो इस वजह से कलर करना पड़ा था। जैसे हम बात करेंगे किलोमीटर्स की, इसकी 83,000 चली हुई जेन्युइन कार है। जी, आपने इसका डिमांड प्राइस क्या रखा है सर? फर्स्ट ओनर है, इसका प्राइस रखा हुआ है हम लोग ने 1,50,000। ओके, जैसे कि आप लोग देख रहे हो, मैं अभी इसका इंटीरियर इसका बताता हूँ, आप लोग इंटीरियर देख सकते हो फ्रेंड्स, कुछ ऐसा अंदर से इंटीरियर है, थोड़ा सा अंदर से लाइट हो गई है कि बिकॉज 2008 का मॉडल है, फिर भी डील अच्छी है। आप लोग नॉन एक्सीडेंटल कार है, अगर आप लोगों को लेना है तो आप लोग आ सकते हो। करते हैं होंडा सिविक की इन ब्लैक कलर, और इसका नंबर मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है, 6611, एक VIP नंबर है, और भाई बता रहे हैं कि ये एकदम फुल ओरिजिनल पेंट है, इसमें कंपनी का पेंट है, तो भाई आप इसके बारे में बताएं। हाय गाइस, ये है 2007 की कार सिविक, 2007 थोड़ा ओल्ड है, बट सिंगल ओन कार है, और ये भी कम चली हुई कार है, ये 26,000 चली हुई कार है, अब भी जस्ट सर्विस होकर आई है कंपनी से, इसकी बैटरी न्यू है, कार की क्वालिटी है, कार के टायर अच्छे हैं, पेंट ओरिजिनल है, सिंगल ओन कार है, और रही बात अच्छी, इसमें ये ऑटोमेटिक गियर है, ट्रांसमिशन जो है ऑटोमेटिक है। अभी आपको इसका इंटीरियर बताते हैं, आप जैसे कि देख सकते हो इसका इंटीरियर, तो भाई बता रहे थे, ये देख, आप लोग देख सकते हो, ये फुल्ली ऑटोमेटिक, अंदर से एकदम एक स्पोर्ट कार की आपको फील आएगी। इसमें आप देख सकते हो एक पेडल शिफ्टर भी दिया हुआ है, पेडल शिफ्टर जो है वो आप स्पोर्ट्स कार की आपको फीलिंग देगा। आप लोग जैसे कि इंटीरियर की कंडीशन तो देख ही सकते हो, अंदर से काफ़ी अच्छी कंडीशन है, एकदम सीट वगैरह सारा ओरिजिनल है इसमें। और भाई आपने इसका डिमांड प्राइस क्या रखा है? इसका सर डिमांड है 1,50,000 फिक्स प्राइस, इसमें नॉन निगोशिएबल है। ओके, सिर्फ 1,50,000 में गाइस, मतलब आप लोगों को अगर लेना है तो आप लोग सिर्फ आना है यहाँ पर और बताना अरबाज का वीडियो देख के आए, तो आप लोग ये कार परचेज कर सकते हैं। अब बात करते हैं होंडा सिटी की, वाइट कलर में आप लोग देख सकते हो, तो भाई इसके बारे में बताएं। ये 2013 की कार है होंडा सिटी, SMT वेरिएंट है, सिंगल ओन कार है, ये भी कम चला हुआ कार है, 43,000 चला हुआ है, वाइट इन कलर है, ओरिजिनल पेंट है, और जैसे आपको बताना है, एक भी स्क्रैच नहीं है गाइस, मैं देख पा रहा हूँ, अगर जो भी कार में स्क्रैच वगैरह थोड़ा बहुत प्रॉब्लम है ना, तो मैं आप लोगों को वीडियो में बता रहा हूँ एकदम जेन्युइनली,
कुछ छुपाना नहीं है और इसमें लिटरली एक भी स्क्रैच नहीं है। मैं आप लोग जैसे कि कंडीशन देख सकते हो, टायर भी काफ़ी लेस ड्रिवन कार लग रही है मुझे, क्योंकि टायर से आप लोगों को पता चलेगा कार कितना किलोमीटर चला हुआ है, कितना किलोमीटर चला है। ये 43,000 जेन्युइन चला हुआ कार है, लेडी ओन कार है। अब बताना चाहते हैं इसका इंटीरियर देख लीजिए, इंटीरियर बहुत ही क्लीन है, इंटीरियर एकदम क्लीन है बॉस, अंदर से भी काफ़ी क्लीन है। और बताना चाहेंगे जैसे इसका यूनिक इंटीरियर है जो बहुत से लोगों को गाइस को पसंद आएगा, जो सीट्स कवर जो है ये सब कंपनी के ओरिजिनल ही है, ओरिजिनल है, सब ओरिजिनल है बोलना। जैसे बताना चाहेंगे जो पेंट है ओरिजिनल है, तो इसका सिर्फ बम्पर ही कलर किया हुआ है, बाकी मेटल का बॉडी होता है वो पूरा ओरिजिनल है। आपने इसका डिमांड प्राइस क्या रखा है सर? इसका डिमांड है सर 380,000। सो बात करते हैं मारुति सुजुकी स्विफ्ट डिजायर भाई, इसके बारे में बताएं। सर ये 2012 की कार है, सिंगल ओन कार है और ये चली है 1,00,000 किलोमीटर, ज़्यादा चली है बट कंपनी रिकॉर्ड में चली है। पारसी ओनर की कार है, इसके पांचों टायर न्यू है, ओरिजिनल पेंट है, आप जैसे देख सकते हैं सिर्फ बम्पर ही कलर किया हुआ है। उतना तो सिटी में यूज कार रहता ही है, नॉर्मल छोटे मोटे स्क्रैचेस, थोड़ा सा मैकबिल मुझे लाइट येलो इस टाइप में दिख रहा है। अगर आप लोगों को चाहिए रहेगा तो आप लोग चेंज करवा सकते हो, ज़्यादा महंगा नहीं मिलता है। और अब बात करते हैं इसके इंटीरियर की, तो इंटीरियर से कुछ ऐसा काफ़ी अच्छा एकदम ओरिजिनल अंदर से आप लोग देख सकते हो, काफ़ी अच्छी कंडीशन में अंदर से और एकदम ओरिजिनल फील, ओरिजिनल सीट कवर सारे ओरिजिनल ही लग रहे हैं मुझे। और जो टेप वगैरह है ये सब कंपनी का ही स्टॉक ही है, इसमें कुछ किया नहीं है उसने इंटीरियर में कुछ। तो जैसे कि आपने इंटीरियर भी देख लिया, आपने इसका डिमांड प्राइस क्या रखा है सर? इसका प्राइस है सर 2,85,000। ओके, निगोशिएबल है? निगोशिएबल है, स्लाइटली है। ओके सो भाई अब बात करते हैं निसान माइक्रा, आप लोग देख सकते हो वाइट कलर में भाई, इसके बारे में बताएं आप। सर ये निसान माइक्रा है, 2010 का मॉडल है, सिंगल ओन कार है, पेट्रोल कार है। इसमें मुझे कलर नया दिख रहा है एकदम से। जी जैसा आप देख सकते हैं कलर न्यू दिख रहा है, बिकॉज ये कलर पेंट हुआ है, इस पे भी स्क्रैचेस वगैरह थे तो इस वजह से इसे पेंट करना पड़ा हमें। बाकी नॉन एक्सीडेंटल है, इसकी गारंटी है, हमारे सब कार जो है नॉन एक्सीडेंटल है। ये चला है सर 60-70 के बीच में चला हुआ है, 60-70,000 किलोमीटर के बीच में। ओके, अब आप इसका इंटीरियर भी देख सकते हो, इंटीरियर भी एकदम अंदर से ओरिजिनल है। सीट इसमें नहीं लगी हुई एक्स्ट्रा, कंपनी की सीट है, कंपनी की सीट है, बट एक्स्ट्रा जो कवर लगा होता है सीट का कवर वो नहीं है। और कंडीशन भी आप लोग देख ही सकते हो, ऑटोमेटिक एकदम मुझे लग रहा है सारा सिस्टम अंदर का। इसमें आपका डिमांड प्राइस क्या है सर ये कार के लिए? इसका सर है 1,60,000। 1,60,000 रुपये सिर्फ इनका डिमांड प्राइस है। अगर आप लोगों को चाहिए रहेगा तो आप लोगों को मिल जाएगा, आओगे तो ठीक है, प्राइस निगोशिएबल है भाई। अब बात करते हैं स्विफ्ट डिज़ायर की फिर से एक बार, और काफ़ी अच्छी कंडीशन में लग रहा है, एकदम ओरिजिनल कलर है ना भाई इसका? ओरिजिनल कलर है सर, ये 2013 का मॉडल है, सिंगल ओन कार है, इसके बीच पांचों टायर अच्छे हैं, न्यू है। और जैसे बताना चाहिए कि इसका कलर बहुत यूनिक है, पिकॉक ग्रीन कलर है, ओरिजिनल पेंट है, सिर्फ बम्पर कलर किया हुआ है। ये भी जो इसका किलोमीटर है ये भी कम चला हुआ है, लाइक 70-60 के आसपास चला हुआ कार है। इंटीरियर मुझे काफी अच्छा लग रहा है इसका, आप लोग भी देखो इंटीरियर एकदम ओरिजिनल है, जो भी कंपनी का आता है वैसा। और अंदर से तो आप लोग देख ही सकते हो, ज्यादा कुछ बताने लायक है नहीं। और मैं आप लोगों को सारा सीट दिखाता हूँ, अच्छी कंडीशन में, अगर आप लोगों को लेना है। बोर्ड पे वुड फिनिश दिया हुआ एकदम, आप लोग देख सकते हो। इसका डिमांड प्राइस क्या है बॉस? 3,40,000 रुपीज़ में आप लोगों को ये डिज़ायर मिल सकती है, अगर आप लोगों को चाहिए तो आप लोग आ सकते हो, ले सकते हो। 2005 का, अब बात करते हैं इनोवा की, 2005 का मॉडल है भाई बता रहे हैं, और एकदम ओरिजिनल कंपनी का कलर है, आप लोग देख सकते हो, और कलर नहीं हुआ है, मैकविल थोड़ा डिफरेंट लग रहा है मुझे इसका, आप लोग देख ही सकते हो। और थोड़े बहुत स्क्रैचेस हैं, सिर्फ थोड़े हल्के, रेयरली, वो भी निकाले जा सकते हैं भाई। बताएं आप ये इनोवा के बारे में। ये सर 2005 की कार है, जैसे हमारे भाई ने कहा, ये सिंगल ओन कार है, और जो है इसका किलोमीटर है 1,45,000, जो कि इनोवा के लिए कुछ भी नहीं है। और ये टाइम टू टाइम कंपनी में सर्विस हुई कार है, आप देख सकते हो। इंटीरियर भी जो है अब तो उसमें कुछ एक्सटर्नल किया हुआ नहीं है काम, बहुत क्लीन इंटीरियर है, जैसे ये होम यूज कार है, कम चला हुआ कार है, जैसे टूरिस्ट पे चला हुआ कार नहीं है, और पूरा ओरिजिनल पेंट में कार है।
इसका प्राइस सर हम कोट कर रहे हैं 3,25,000। सिर्फ 3,25,000 में इनोवा मिल रही है। थोड़ा सा ओल्ड मॉडल है बट बहुत सिंगल ड्रिवन कार है और बहुत लेस किलोमीटर चला हुआ है और कंडीशन भी काफ़ी अच्छा लग रहा है, एकदम ओरिजिनल पेंट है। अगर आप लोगों को चाहिए तो आप लोग आ सकते हो, ले सकते हो टोयोटा इनोवा कार। आप लोगों ने देखा फ्रेंड्स, हमने सारी जितने भी ऑलमोस्ट कार्स थी सारी डिटेल आप लोगों के साथ शेयर किया और काफ़ी धूप में हम लोगों ने शूट किया है। तो एक जगह हम लोग छांव में एक आउटडोर शूट कर रहे हैं। भाई से जानते हैं हमें यहाँ पे क्या क्या फैसिलिटी मिलेंगी, तो भाई बताएं आप। जैसे बताना चाहते हैं यहाँ पर जो है हम लोन फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं, आरटीओ फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं, इंश्योरेंस फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं और ट्रांसफर वगैरह भी करवा देते हैं। ट्रांसफर जो है वो प्रोवाइड करते हैं। कम से कम अगर जिसको लोन पे कार परचेज करनी है उसको कितना परसेंट डाउन पेमेंट देना पड़ेगा? उनको 20% डाउन पेमेंट देना पड़ता है। आप जितने भी आपके पास कार है तो आप किससे परचेज करते हैं? हम जो है जो बिजनेसमैन होते हैं बॉम्बे के, हमारे जो आपने जैसे कार में देखा होगा वीडियो हाँ। शूट में MS-01 के कार है। हाँ सारी MS-01 MS-02 की मुझे कार दिख रही है। बॉम्बे की परचेसिंग है हमारी। जो बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं उनकी जो है बेसमेंट में पार्किंग होती है, ऑफिस में हाँ। घर में हाँ। तो ये जो है उसमें पार्किंग सेफ हाँ, रहती है। पार्किंग सेफ में मतलब स्क्रैचेस के डर नहीं रहे। रेनी सीजन में जो है उसमें रस्टिंग वगैरह का ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता है। नहीं, जहाँ तक मैंने देखा आपकी कार मुझे काफ़ी पसंद आई पर्सनली। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, भाई से मैं फ़र्स्ट टाइम मिला हूँ, उनकी शॉप पे मैं फ़र्स्ट टाइम विज़िट किया हूँ। तो मुझे जहाँ तक है तो आप लोग आ सकते हो इनके पास में। सारा आप लोगों को सारा कुछ डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और सिर्फ आपको आना है, नाम बोलना है कि भाई अरबाज की वीडियो देख के आएँ, तो कुछ कंसेशन हो जाएगा, ज़रूर डिस्काउंट मिल जाएगा। डिस्काउंट मिल जाएगा ना, सिर्फ आप लोगों को नाम बताना है। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा। मेरा सिर्फ वीडियो बनाने का पर्पस ये है कि आप लोगों को पता चले कहाँ पे कौन से प्राइस में कौन सी कार मिल रही है, ताकि आप लोगों को घर बैठे बैठे प्राइस के बारे में पता चले, है ना भाई? तो इसलिए मेहनत कर रहा हूँ और मेरा नया चैनल है, तो आप लोग सपोर्ट करो, प्यार करो, अच्छे से कमेंट पूछो और अच्छे अच्छे कमेंट में क्वेश्चंस अपने जो भी है तो पूछो, मैं सारे रिप्लाई करूँगा। मेरे को इंस्टाग्राम का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, भाई की सारी डिटेल आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो आप लोग इनको कांटेक्ट कर सकते हो, यहाँ पे आ सकते हो। तो भाई यहाँ पे आना कैसे है एकदम? यहाँ पे जो है ये प्लेजेंट पार्क एरिया है, मीरा भाईंदर हाईवे पर ही है। ओके, आप सामने देख सकते हो ट्रेंड है, कोहिनूर है रिलायंस का। हाँ, इसके जस्ट अपोजिट में ही है। ठीक है ना भाई, कुछ बोलना चाहोगे एक्स्ट्रा? बस ये बताना चाहेंगे कि जो बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं उनकी उनके पास कार ज़्यादा होते हैं 5-10, तो उनके वो हिसाब से कार कम यूज होती है। हाँ हाँ, कार गाड़ी वेल मेंटेन होती है कार। जैसे मेरी मेहनत के ऊपर तो कुछ बोल दो यार भाई। अरबाज का लाइक वाइक करना है, व्लॉग था फर्स्ट टाइम हम मिले हैं। हाँ, इसे लाइक शेयर जरूर कीजिए और सब्सक्राइब कर दो और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट किसी अच्छे से व्लॉग में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखें। लगा चलो फिर, टाटा बाय बाय, ख्याल रखो अपना भाई सब।